हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। काफ़ी सुबह सुबह हम नहा धो लिए और पूजा वूजा करके और इसके बाद अभी धूप में बैठेंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सुबह में जल्दी से सोच रही सारा घर का काम कर लूँ ताकि धूप का आनंद ले सके। तो नहा धो के धूप में बैठे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा आलस लगता है कि ठंड है कैसे नहाएंगे, बट नहाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और देखते हैं कि डिलीवरी हो पाता है कि नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल दो दिन से मेरा ये कंटिन्यू चल रहा है। सुबह में उठती हूँ और दिन का काम कर बैठे फटाफट एकदम खा लेती हूँ। अभी चलते हैं गार्डन में। प्लांट लगना लग जाएगा नहीं? काटे कितना दिन हो गया इसका? थोड़ा लग गया, 5-6 दिन हो गया ना। मुरझाया बिल्कुल नहीं मुरझाया, पत्ता एकदम लग रहा है टाइट है। मे बी ये लग जाए, मुझे तो लग रहा है कि लग गया है। सोचो कि ये लग जाए। इसका दूसरा वाला कटिंग वहाँ पे है, ये रहा। और मेन जो मेन प्लांट है वो भी है यहाँ पे। ये छोटा सा बाल्टी है, ये बड़ा सा इसी में लगा हुआ है और बहुत अच्छे से लग गया। और डेली आप इसमें पानी डाल देते हैं, नहला देते हैं ना, इसीलिए पत्ता सूख नहीं पाए हैं। और लग रहा है लग गया, और यहाँ से बहुत सुंदर भी लग रहा है। बाल्टी में इसे शिफ्ट करना है। तेजपत्ती का महक ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा महक है इसका। चाय बनेगा तो बहुत टेस्टी लगेगा जब चाय में एक पत्ता डालूंगी। तो एक सूखा पत्ता दिख रहा है मुझे, वैसे भी सूख जाएगा तो इसे मैं तोड़ ले रही हूँ। ये फर्स्ट लव का प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इसे गमले में लगाऊँ या डायरेक्ट मिट्टी में। जब चाय बनाऊँगी ना तो इसको इसमें डाल दूंगी। तो घर का बेलीफ से बना हुआ चाय पियेंगे। तो अब किचन में आकर के मैं कुकिंग कर ले रही हूँ। तो लंच बना रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेथी और रहर दाल। और मुझे ना पहले दाल बना लेती हूँ, उसके बाद ढेर सारा मेथी से मैं छौंका लगाई हूँ और ये दाल बहुत टेस्टी लगता है। इधर चावल भी बिठा दी हूँ। चावल बन गया तो स्टार्च को मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में। पहले मैं चावल को सिंक में पूरा स्टार्च को निकाल देती थी, लेकिन बहुत लोग मना किए कि ऐसे सिंक में डायरेक्ट नहीं स्टार्च, मतलब माड़ को ऐसे नहीं गिराना चाहिए, तो कोई बर्तन में निकालने के लिए। तो मैं सोची अच्छा ठीक है, तो बर्तन में आपसे करने लगी हूँ। तो पता नहीं क्यों, हालाँकि वो मुझे अच्छा लगता था लिए और डायरेक्ट सिंक में डाल दिए, तो अब नहीं करती हूँ मैं। जब से बहुत जन मुझे टोके हैं कैसे नहीं करना चाहिए। इसके बाद ढेर सारा दोस्तों मैं ओनियन कट कर रही हूँ क्योंकि आज बनेगा चिकन। तो हम लोग के लिए बन रहा है चिकन और हबी के लिए बन रहा है दाल और गोभी आलू का सोची सब्जी बना दूंगी, तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो और हम लोग को तो नॉनवेज के साथ कोई सब्जी नहीं चाहिए, तो हम लोग का वो चिकन चावल और कुछ चिकन का मैं रोस्ट भी करती हूँ और वो मेरा बेटा आकर के उसका थोड़ा चाइनीज तड़का उड़का लगा के अपने तरीके से बनाएगा। तो ढेर सारा को प्याज को कट करना है, इसे मैं भी कट करके फटाफट सब तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हबी को दे दी गर्मा गर्म दाल, उसमें नींबू डाल करके, और बहुत ही अच्छा लगता है सूप की तरह।
और ढेर सारा टमाटर डाल के भी मैं पकाई थी दाल को, और मेथी का छौंका लगा दी थी तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। दो तीन नींबू उसमें निचोड़ दिए थे, और कुछ फ्रूट्स मुझे खाना था, ड्राई फ्रूट्स, और उसमें अनार डाल करके रखे थे, मैं खा ही नहीं थी तो वही मैं खा ली। और अब हबी निकलेंगे तो इनको थोड़ा सा जाना है बाहर, और ये धूप बहुत ही अच्छा लग रहा है। कम ऑयल में मैं चिकन बनाऊंगी, और ढेर सारा ऑनियन और अदरक और टमाटर को पहले मैं भून लेती हूँ। और इधर ये हबी का सब्जी, गोभी और मटर का, तो हल्के मसाले में मैं इनके लिए बना दे रही हूँ। और एक साग रहेगा और दाल, और ये बस हो गया। और हम लोग को तो बस चिकन और रोस्टेड चिकन काफ़ी है। उसके बाद चिकन डाल करके भून लेती हूँ इसे। गोभी मटर की सब्जी भी अब लगभग बनने ही वाली है, तो इसमें हल्का मसाला डाल करके धीमे धीमे आंच में ये मैं इसे पका ली हूँ, और ये पक गया इसी तरह भूनते भूनते ये पक गया। और इस तरह का सब्जी बहुत टेस्टी लगता है, कम मसालों में, कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज तो मैं बिल्कुल भी बस इसी तरह नमक टेस्ट करने के लिए मैं खा लूँगी, बट मैं बिल्कुल भी सब्जी, मुझे नॉनवेज के साथ कोई सब्जी दाल कुछ नहीं अच्छा लगता है, शुरू से है मेरा, बना रहे तो भी मैं नहीं खाती हूँ। तो तेज आंच में बहुत अच्छे से चिकन को एकदम बढ़िया से फ्राई करना है, तो जितना चिकन फ्राई होता है ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं थोड़ा सा क्या करूँ, तो खड़े खड़े इसी तरह, तभी वो रील्स काफ़ी फेमस हुआ है ना, ठुमक के जब चले तू तू पहाड़ी, तो उसी गाने का मैं थोड़ा सा इसी तरह झूम रही थी, तो काफ़ी वो फेमस हुआ है अभी ये गाना, अच्छा भी लगता है उसका गाना। और दोस्तों उसी कढ़ाई में से मैं कुछ चिकन के पीसेस को एक छोटे से कढ़ाई में डाल करके रोटी जी में रख दी, और ये बहुत अच्छे से धीमे धीमे आंच में पक जाएगा, और मसालों के साथ भुनी हूँ ना, और इसके बाद रोटी जी में डाल दी तो ये एकदम बहुत ही अच्छा रोस्ट होके निकलेगा, इतना अच्छा लगता है ना टेस्टी। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया ये रोस्ट हुआ है, बिल्कुल मसाले जो है ना एकदम इसी में एकदम सूख गए, और ये इतना जूसी जूसी लगता है ना। इसके बाद मेरा बेटा इसे चाइनीज तड़का देगा, तो थोड़ा सा ये प्याज और सोया सॉस जो उसे अच्छा लगेगा डाल करके बस थोड़ा सा भून देगा, नहीं तो मुझे तो ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और इधर मेरा चिकन भी बन के रेडी हो गया, मेरा ये ग्रेवी वाला भी करी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और ये रोस्टेड चिकन देखिए कितना सुंदर तो नहीं, बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने से ये, मेरा बेटा का ये फेवरेट है फेवरेट। तो कुछ बनाओ या ना बनाओ ये मस्ट है, उसके लिए बनाना ही है। तो और ये ले करके बैठ गया अपने तरीके से इसे खा रहा है, नींबू ओनियन सब कट करके। इसके बाद मैं आ गई अपने गार्डन में, तो यहाँ पे ढेर सारा प्लांट लाई थी ना मैं कल, तो सबको लगाना है, तो सबका तो मुझे जगह समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कौन सा लगा, तो फिलहाल ये दो प्लांट मुझे समझ में आए लगाने का, एक बे लीफ, और सोच रही हूँ फर्स्ट लव का जो प्लांट है ना तो उसको लगा देती हूँ मिट्टी में, मिट्टी में लगा रहेगा तो थोड़ा सा हाइट भी उसका बढ़ा जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। और बे लीफ को तो मैं गार्डन मतलब गमले में नहीं लगाऊंगी, इसे डायरेक्ट मिट्टी में लगाऊंगी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बे लीफ का बात ही अलग है, जब मन करेगा तब
तोड़ेंगे दो चार पत्ते, और खीर में, चिकन में, जैसे कुछ भी जहाँ जहाँ तेज पत्ते का यूज़ होता है ना, तो ताज़ा ताज़ा पत्तियाँ डाला करेंगे। देखते हैं, भगवान करे लग जाए। और ये फर्स्ट लव को मैं फ़िलहाल, मतलब मुझे यही जगह, इतना ही जगह है मेरा, तो साइड में थोड़ा एडजस्ट करके जगह इसी में लगा दिए। और यहाँ पे मेरा बहुत ही सुंदर हो रहा है कोलियस। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइड में बेलीफ को मैं लगा दी। अब मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि इसको ज़्यादा धूप चाहिए कि क्या। और यहाँ मेरा जेट प्लांट है ना, पता नहीं ठंडे में शायद ऐसा ग्रोथ करता है। इसके पत्ते बहुत, मतलब गिर जा रहे हैं और बहुत ही खाली खाली दिख रहा है ये। समर में बहुत बहुत ज़्यादा भूसी हो गया था, और इसका भी वही हाल है। तो पत्तियाँ बहुत खाली हो गई हैं, और ये दो ही बस जेट प्लांट मेरे पास है। तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। और जेट प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मेरा देसी वेराइटी का गुलाब का बहुत अच्छा चल रहा है। तो समर में बहुत छोटे छोटे फ्लावर हो रहे थे देसी गुलाब का, लेकिन अभी देख रही हूँ काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो ये बाकी प्लांट को मैं बाद में लगाऊंगी, मुझे फिलहाल समझ भी नहीं आया। यहाँ पे मैं हाथ वाथ धो लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।